अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश पर्ल्स। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत ट्राउजर डिजाइन, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हमने 8 इंच ट्राउजर का पांचा लिया, एक बुकरम की पट्टी ले ली और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। लंबाई की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको चौड़ाई की तरफ भी ऊपर से और नीचे की तरफ से फोल्ड करना है पूरी पट्टी को। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड से इसको कट लगा लिया और उसी की दूसरी साइड की तरफ से भी इसको कट कर लिया। और इसको ओपन करने के बाद इसका ऐसा लुक आ रहा है। एक फैब्रिक की पट्टी ले ली, पट्टी आप अपने पांचे के हिसाब से ले सकते हैं और उस पर ये बुकरम की पट्टी चिपका दी। ट्राइंगल्स के मिड में कट लगा लिया। इसी तरह हमने दोनों साइड्स के सारे ट्राइंगल्स के मिड में कट लगाना है। ट्राइंगल्स को कट करने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है प्रेस करके। ट्राइंगल्स को फोल्ड करने के बाद हमने इसको सीधा किया तो इसकी ऐसी शेप आ रही है। एक फैब्रिक का पीस लिया, इसकी लंबाई 3 इंच रखी और इसको फोल्ड करके इस तरह की 4 पट्टियां बना ली। ट्राउजर के पांचे से 5 इंच के फासले पर हमने अपनी पट्टी को स्टिच करना है। हमने अपनी पहली पट्टी ली और ट्राइंगल्स के कोने के अंदर रख दी इस तरीके से और उसको साथ स्टिच कर लिया। इस तरह हमने सारी पट्टी को ट्राइंगल्स के मिड में रखना है। अब हमने ये स्टिच कर लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पट्टी स्टिच कर ली है। जहां पर हमने पट्टी लगाई थी वहां से 1 इंच के फासले पर हमने पिटेक्स डाली।
ऊपर वाले साइड पर पिन टैग्स डालने के बाद हमने पट्टी के नीचे वाली साइड पर भी पिन टैग्स डालनी है। फैब्रिक की एक और पट्टी ली और उसको फोल्ड कर लिया इस तरीके से। इस पट्टी को हमने ट्राउजर के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर रख कर स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने लंबाई की तरफ ये पट्टी लगा लेनी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिजाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।